हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में ग्रीन चिली सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इस टाइप की जो चिलीज़ होती हैं उनसे बनता है। ये मोटे वाले चिली होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और इसी के साथ में हमें बनाना है अपना ग्रीन चिली सॉस। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल हम बनाने वाले हैं, जैसे कि मार्केट में मिलता है ये सेम उसी तरह से बनेगा। बट ये पता तब चलेगा जब आप लोग मेरे बताए तरीके से बनाएंगे, तभी आपको मालूम होगा कि ये वैसा ही है या कि नहीं। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ बनाइए और जैसे मैं बता रही हूँ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है मोटी वाली चिली, और ये ली है मैंने जो थोड़ा सा तीखी होती है चिली, वो तो ये सारी नहीं लेनी है हमें, इसमें से हमें बस थोड़ी ही लेनी है, थोड़ी क्वांटिटी में बस इतनी ही लेना है। और ये लिया है मैंने जिंजर एंड गार्लिक। तो गार्लिक को मैंने पील कर लिया है, पील करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें पील करके अभी थोड़ा सा रफली कट कर लूँगी। और ये मैंने लिया है जिंजर, जिंजर को भी मैंने बस इसी टाइप से कट कर लिया है। ये इन्हें छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लेती हूँ। किस टाइप से करना है आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से आपको ये लेना है और लेके आपको इसे इस टाइप से करते हुए कट कर लेना है। और इन्हें आपको इस टाइप से लेते हुए बस ऐसे ही रफली कट करना है। इसी टाइप से करते हुए इन सभी को आपको अच्छे से कट कर लेना है। और जो ये छोटी वाली चिली ली है इन्हें भी हमें रफली ही कट करना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, इन्हें मैंने सब कट कर लिया है। अभी मैंने लिया है ये कुकर और इन सभी को इस कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। इन्हें मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो ये मैंने जिंजर एंड गार्लिक लिया था इन्हें भी इसी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इसमें थोड़ा सा हमें सॉल्ट ऐड करना है और वाटर की क्वांटिटी बस इतनी रखनी है कि इसी इतने ही वाटर में टेंडर हो जाए, क्योंकि ये वाटर जो इसमें हम मैंने ऐड किया है इसे हमें फेंकना नहीं है। इसका क्या यूज़ करना है वो आगे के प्रोसेस में बताती हूँ। तो अभी लिड लगा के टू विसिल ले लेनी है। प्रेशर को हमें नेचुरली रिलीज होने देना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं। और जो ये वाटर बचा है इसका क्या करना है अभी बताती हूँ। तो जैसे ये कूल होता है इसे हमें ड्राई करना है। अभी ये ठंडा हो गया है, चलिए अब इसे एक मिक्सी जार के पॉट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया है। अभी इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं और इसे उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये लिया है मैंने 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर। इसे हम अपने स्पॉट में डाल देंगे और जो इसमें ये सब लगा हुआ है इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इस टाइप से इसमें ऐड कर देना है। और इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही कुछ देर के लिए कुक करना है, बीच बीच में इसे मिक्स करते जाना है। अगर आप चाहें इसका कलर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा, तो इसमें थोड़ा सा आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बस इसे स्लो फ्लेम पे ही हमें कुछ देर के लिए कुक करना है। ये लिया है मैंने कॉर्न फ्लोर, इसे 1 टेबल स्पून लेना है। कॉर्न फ्लोर को मैंने थोड़े से वाटर के साथ में मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हमें एक साथ पूरा अपना कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अभी आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से कुछ थिक हो गई है। अभी इसे कुछ देर हमें और कुक करना है। फ्लेम को आपको याद रखना है कि स्लो ही रखना है, स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे से कुक करना है।
तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन चिली सॉस बन के रेडी हो चुका है। बस हमें इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें और नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो चलिए अभी इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे आपको इस टाइप से निकाल के अभी कूल कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा अभी ये और ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और ठंडा होने के बाद ही आपको इसे किसी जार में ट्रांसफ़र करना है। गर्म में मत करिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा ग्रीन चिली सॉस बनके रेडी हो गया है। ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। आप भी इसको इसी तरह से फॉलो करिए, जो भी मैंने स्टेप बताए सारे स्टेप बाय स्टेप इन्हें फॉलो करिए, तो आपका भी चिली सॉस बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। और हाँ, आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो आप इसे 2 वीक तक रख के इसे यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो आप इसे 4 मंथ तक रख के इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो गाइस, रेसिपी पसंद आई हो इस चिली सॉस की तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।